गुरु पूर्णिमा इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस पावन मंच पर उपस्थित आज समाज के बहुत ही उद्भट वैदिक विद्वान परोपकारी सभा के पूर्व प्रधान परोपकारी पत्रिका के संपादक अनेक ग्रंथों के लेखक सम्मानीय आचार्य डॉक्टर वेदपाल जी हमारे बीच उपस्थित जिन्होंने अपना सारा जीवन आर्य समाज के लिए समर्पित किया है, ऐसे परिव्राज सम्मानीय आचार्य कार्यदेश जी वैदिक विद्वान डॉक्टर डी के गर्ग जी आचार्य मोहित शास्त्री जी इस संस्था के अध्यक्ष मान्य श्री ध्रुव मित्तल जी यहाँ आचार्य रहे और आजकल विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं माननीय प्रोफेसर नरेश कुमार जी मान्य श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी माता सुशीला भट्ट जी सेठ श्री कुंदनर अग्रवाल जी माने भाई कैलाश अग्रवाल जी श्री रणजीत आर्य जी भाई राकेश भगत जी मेरे सामने बैठे हैं बुजुर्ग माने ऋषिकाल आर्य जी और इस संस्था के आचार्य के रूप में जो पोषाक कर रहे हैं पंडित उदयन शास्त्री जी या उपस्थित अनेक संस्थाओं के हमारे श्रद्धेय सन्यासीगण प्रिय ब्रह्मचारियों माताओं बहनों आदरणीय सज्जनों आज से लगभग एक महीना पहले श्री उदयन जी का मेरे पास में फोन गया कि स्वामी ब्रजानंद सरस्वती के जन्मस्थली पर इस विद्यालय के प्रांगण में हम कार्यक्रम करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि आप उसमें आए हम राजनीतियों के लिए बड़ी समस्या रहती है हम बहुत पहले से कार्यक्रम देने में असमर्थ होते हैं पता नहीं कब क्या कार्यक्रम बन जाए कई बार तो 24 घंटे पर इस कार्यक्रम निश्चित हो जाते हैं लेकिन मैंने ईश्वर का स्मरण करते हुए आपकी बात को स्वीकार किया क्यों किया इसलिए किया यदि गुरु ब्रजानंद ने होते तो दयानंद ने होते और दयानंद नहीं होते तो आप ब्रह्म नहीं होते मैं जिस स्वरूप में खड़ा हूं वो वृक्ष दयानंद और गुरु ब्रजानंद का ही प्रतिफल है उन्हीं के आशीर्वाद का फल मानता हूं तो गुरु के ऋण से गुण होने का तरीका क्या उसका तरीका है कि गुरु जिस मिशन को छोड़ करके गए दयानंद का उद्देश्य था करना तो विश्व आर्य हम सारे संसार को आर्य बनाए आदरणीय आचार्य वेदपाल जी की पीड़ा थी और पीड़ा इस रूप में थी कि विश्व के मत मतांतरों की संख्या को जब हम देखेंगे चाहे साहित्य की दृष्टि से चाहे हमारी गणना की दृष्टि से तो हम उनके सामने संख्या दृष्टिकोण से कम हो जाते हैं वैसे मैं आपसे निवेदन करूंगा कई बार लोकतंत्र में तो सिर गिने जाते हैं लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं